अब तक तो बालवीर को पता चल चुका होगा निशाचर पक्षी के बारे में और वो जरूर इसे ढूंढकर मारने की कोशिश करेगा। कालपरी, तुम अभी जटिल वन जाओ और जाकर निशाचर पक्षी को ढूंढो ताकि मैं उसे कहीं और सुरक्षित रख सकूं। लेकिन तिमनासा, उन हजारों पक्षियों में से असली निशाचर पक्षी को मैं कैसे पहचान पाऊंगी? अपना हाथ आगे करो। फिक्र मत करो, ये मोती खुद उसे ढूंढ लेगा। जाओ। शौर्य, मैं अभी इस निशाचर पक्षी को मारने जाता हूं। जाने से पहले कुछ बातें गौर से सुन लो बालवीर। जिस पक्षी को तुम ढूंढने जा रहे हो वो तुम्हें जटिल वन में मिलेगा। ये वन इतना घना है कि यहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पाती है। जटिल वन में से निकल पाना लगभग नामुमकिन है। शौर्य, आपने और माँ ने मुझे सब सिखाया है, मैं हर नामुमकिन काम को मुमकिन कर सकता हूँ। एक बार तुम इस जंगल के अंदर चले गए फिर तुम्हारी मदद बाहर से कोई भी नहीं कर सकेगा और ना ही तुम बिना अपना मकसद पूरा किए जंगल से बाहर निकल सकते हो। मैं हर खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ शौर्य। तिमनासा को मारने का इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिल सकता। मुझे आशीर्वाद दीजिए शौर्य कि मैं कामयाब होकर लौटूं। खुश रहो शौर्य, खुश रहो परियो, खुश रहो बालवीर, खुश रहो। तुम्हें लगता है कालपरी कामयाब हो पाएगी? इस काम के लिए तुम्हें खुद जाना चाहिए था तिमनासा। सलाह देने के लिए शुक्रिया वेमान, लेकिन उससे पहले मुझे एक बहुत जरूरी काम खत्म करना है। कैसा काम? एक ऐसा काम जिसकी शुरुआत एक पेड़ से होगी। चिंडी, चिंडू को तो पेड़ ने सजा दे दी, अब तुम्हें भी इनसे माफी मांगनी पड़ेगी। ये विवान हमारे दे, पेड़ क्या कोई टीचर है जो हमें पनिशमेंट देगा? पेड़ पौधे तो टीचर से भी बढ़कर होते हैं, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें दाल चावल कहाँ से मिलेंगे? दुकान से। तुम ऐसे नहीं समझोगे, वो ट्री देवता अपने चिंटू को अपनी दाल काटने की कोशिश करने की सजा तो दे दी, लेकिन इस चिंटी की भी अकल ठिकाने लगा दीजिए। चिंडी भैया, चिंडी अब कान पकड़ो और सॉरी बोलो। पेड़ जी हमें माफ कर दीजिए, आपकी डाल काटने का मेरा आइडिया नहीं था, ये चिंटी का था। आइडिया जिसका भी हो, कुल्हाड़ी जिसने भी चलाई, लेकिन हमें माफ कर दीजिए पेड़ देवता। प्लीज हमें नीचे उतार दीजिए, हम ऐसे दोबारा नहीं करेंगे। हाँ पेड़ जी, प्लीज माफ कर दीजिए पेड़ जी। भागो भैया भागो। भाग चिंटी, विवान भाई तो तुझे बाद में देखूंगा। अरे वाह, ये चिंटू चिंटी दोनों दौड़ रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे। दादाजी वो सब छोड़िए, पहले मुझे ये बताइए आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? ये बताने के लिए कि पेड़ हमारे जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है। वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, है ना? और इसलिए हमें पेड़ पौधों का ध्यान रखना चाहिए। शाबाश विवान। दादाजी मुझे ये सब पता है, आपने सिर्फ ये बताने के लिए मुझे यहाँ गार्डन में बुलाया? अरे नहीं बेटा, ये तो सब थियरी की बातें हैं, प्रैक्टिकल कोई नहीं करता। मैंने तुम्हें प्रैक्टिकल समझाने के लिए यहाँ बुलाया है। प्रैक्टिकल? ये देखो बाल्टी। हाँ बेटा, आज नेशनल ट्री डे है, यानी हम दोनों इस गार्डन के सभी पेड़ पौधों को पानी देंगे। तुम उस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाता हूँ। जी दादाजी। पानी?
परा ने आपने तो कहा था कि जरूरी काम की शुरुआत किसी पेड़ से होने वाली, लेकिन आप हमें तो तालाब के पास लेकर आई है। मुझे तो प्यास नहीं लगी। पर राजा, आपको प्यास लगी क्या? नहीं लगी? नहीं लगी। ये कोई आम बीज नहीं है, बल्कि इस बीज से जन्म होता है काल वृक्ष का। काल वृक्ष? पृथ्वी पर सांस लेने के लिए प्राण वायु की जरूरत पड़ती है, और ये काल वृक्ष सारी प्राण वायु को सोख लेगा और पृथ्वीवासी घुट घुट कर मरेंगे। और फिर बालवीर तुम्हारे आगे घुटने टेकने के लिए मजबूर हो जाएगा। लाओ ये बीज मुझे दे दो, मैं पृथ्वी पे ला के आता हूँ। इतना आसान नहीं है बहमार। इस बीज को मैं, तुम या काल लोक का कोई भी वासी नहीं लगा सकता, बल्कि इस बीज को लगाने के लिए तो एक बच्चे की जरूरत है, एक साफ दिल का बच्चा, अच्छा बच्चा। और ऐसा बच्चा तो हमें सिर्फ पृथ्वी पर ही मिल सकता है। नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर इसी तरह बहाने डालूंगा तो दो दिन लग जाएंगे। हाँ, मैं यही कर लेता हूँ। अच्छा है इधर कोई नहीं देख रहा है। हाँ ठीक। गिर पड़ी अंकल। बिन मौसम बारिश कैसे हो गई? वहाँ बारिश और यहाँ सूखा, ये दो बातें अलग है। नहीं नहीं अलग नहीं है। तो बंद हो गई? इन पर अंकल ये बारिश थोड़ी थी, ये तो ओस थी। ओस? हाँ। इतनी सारी ओस? हाँ। क्लाइमेट चेंज अंकल, लोग इतना पॉल्यूशन कर रहे हैं तो क्या? वो मौसम का कोई भरोसा नहीं। वो सब छोड़े अंकल, वैसे ये बताइए आपकी यहाँ कितनी लाल क्यों है? अब छुप छुप के रो रहे थे क्या? विवान, तू बड़े होकर कमिश्नर बनेगा, ठीक समझा? तू ठीक समझा? मेरी आंखें रो रो के ही लाल हुई है। अब रो क्यों रहे थे? मेरी पद्मिनी आंटी, मतलब तेरी पद्मिनी आंटी, मेरी ताई मेरी शादी तय कर रही है, लेकिन मैं शादी करना नहीं चाहता। क्यों पूछो? क्यों? क्यों? हाँ, क्योंकि मैं किसी और से। क्या? तू अभी कच्चा है, अपना बच्चा है, जाने दे, जाने दे, तू छोड़ इसे, जाने दे। अरे अंकल रुको तो, बताइए तो सही, हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर सकूं? हाँ? हाँ? अरे मैं अपनी मदद खुद नहीं कर पा रहा हूँ, तू कहाँ से करेगा? जाने दे बेटा, जाने दे, मुझे अकेला छोड़ दे। अरे किरपड़े अंकल, कानून का फर्ज होता है बेगुनाह की मदद करना, वैसे ही बालवीर का फर्ज है रोने वाले चेहरों पे मुस्कान लाना। किरपड़े अंकल, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। किरपड़े अंकल। Thank you.
मैं जानता हूँ भयानी, इससे ज्यादा नेक बच्ची भारत नगर क्या पूरे भारत देश में नहीं मिलेगी। अगर इसके हाथों ये बीज लगवा दिया जाए तो आपका काम बन जाएगा भयानी। खांसी हो रही है, बहुत प्रदूषण है ना हवा में, लेकिन इसका हल है मेरे पास। ये देखो, खांसी प्रदूषण की वजह से नहीं हो रही है, कल रात को आइसक्रीम खाने की वजह से हो रही है। अब तो क्या हुआ, अब हवा अच्छी होगी तो सबको फायदा होगा ना। ले लो। मम्मी ने कहा है किसी अनजान इंसान से कोई गोली या चॉकलेट नहीं लेनी चाहिए। अरे बेटा, ये गोली नहीं है और ना ही ये कोई चॉकलेट है। ये एक ऐसा बीज है जिसको जमीन में लगाने से जब इससे पौधा उगेगा तो पूरे वातावरण में 3 गुना ज्यादा ऑक्सीजन फैल जाएगी। वाओ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। है ना, तो चलो फिर ये बीज लगाते हैं ताकि इसमें से पौधा होगे। नहीं, मम्मी ने कहा है जब तक मैं टिफिन बांट के वापस नहीं आ जाती तब तक मैं इस जगह से हिलू भी ना। टिफिन बांट के आ जाओ मतलब तुम भी करुणा जी की बेटी तो नहीं? आपको कैसे पता? अरे करुणा ने तुम्हें मेरे बारे में बताया नहीं? मैं उनकी बचपन की दोस्त हूँ। बहुत बढ़िया मेरानी। और तुम्हारी मम्मी की दोस्त तो माँ जैसी हुई ना, है ना? तो चलो फिर ये बीज लगाते। और जहां तक मैं करुणा जी को जानती हूँ तो मुझे पता है उन्होंने तुम्हें एक बात तो जरूर समझाई होगी कि कभी भी किसी भी अच्छे काम को करने के लिए मना नहीं करते। ये बीज लगाना भी तो कितना अच्छा काम है ना? और मुझे लगता है कि तुम अपनी मम्मी की दोस्त को कभी मना नहीं करोगी। मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ ना, हम कितना अच्छा काम करेंगे। चलो ये लो। ये तो आ गई झांसी में। अब बस इससे पहले कि बालवीर जटिलवन पहुंचे निशाचर पक्षी तक कालपरी पहुंच जाए। तो ये है जटिलवन। कहीं ये पक्षी तो निशाचर पक्षी नहीं? पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है। बालवीर, जितना जटिल ये वन है ना उतनी ही जटिल तुम्हारी समस्या। तुम इस वन से पक्षी तो क्या चींटी भी नहीं ले जा सकोगे। मैं यहाँ पर चींटी लेने नहीं, निशाचर पक्षी को लेने आया और उसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। ओ जटिल वन, सुना तुमने बालवीर क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि वो यहाँ से निशाचर पक्षी लेकर जाएगा। और ये भी कह रहा है कि वो तब तक यहाँ से नहीं जाएगा उसका वो मकसद पूरा नहीं कर लेगा। सुना सुना। बालवीर, जटिलवन का नियम पता है ना तुम्हें? एक बार यहां पर अपना मकसद बता दिया और जब तक वो पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम यहां से बाहर नहीं जा सकते। इसका मतलब
तुम हमेशा के लिए यहाँ कैद हो गए हो। कैद नहीं, शादी तो दो आत्माओं का मिलन है। खरे क्यों जी, सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ हाँ हाँ, तुम जो बोलो वो सही है। क्या है, प्रभु का वचन है और शादी तो आत्माओं का मिलन है। खरे खरे है ना? हाँ? खरे है ना? हाँ। कैसी लगी लड़की? हाँ? सही। बता ना। लड़की तो ठीक है, थोड़ी पतली है ना। मेरा मतलब है, ये अगर बहू बन के आई तो मेरे पूरे महीने की पगार इसके खाने पीने में चली जाएगी। ताई, सुबह सुबह लौकी का जूस पीने से वजन कम होता है। पक्के दिन। ये दो बातें अलग है। ज्यादा नखरे करेगा ना तो शादी नहीं होगी, समझौता होगा, समझे? मत ज्यादा बोलते। हमें लड़की पसंद है। कोमल, ए कोमल, कैसे लगा मेरा भाई? देखो, समझ सकता हूँ, मुझे तो जूस भी जबरदस्ती पीना बिल्कुल पसंद नहीं। और यहाँ तो किरपन अंकल की जबरदस्ती शादी हो रही है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। कोमल बेटा, तुम्हें लड़का पसंद है या नहीं? हाँ कोमल। हाँ बोल रही हो तो फिर ना मैं सर क्यों मिला रही हूँ? हाँ क्या बोल रही हो तुम? हाँ बोल रही हो कि ना बोल रही हो? अरे बोला ना। हाँ ना बोलना है तो सीधे सीधे बोलो ना। मेरा भाई पुलिस में, लड़कियों की कमी नहीं है। समोसे रख और चलते बनाओ। कंफ्यूज करूं ठेवले हैं। यस, आज तो दो का मजे कर दिए। अब घर जाकर अच्छी दीदी के साथ खेलता हूँ। यस मैं बिना किसी के बोले या बिना किसी से पूछे कोई काम नहीं करती। बेटा बस एक बीज ही तो डालना है, लगा दो। हाँ ये लो, ये लो, उधारी गड्ढा खोदो, डाल दो बीज। अच्छी बच्ची हो ना तुम। खुशी तुम बीच में क्यों रुक गई? मैं बीच में कहाँ रुकी, आपने जितना बोला था उतना मैंने कर दिया। मैंने खुदारी ली, गड्ढा खोदा और बीच भी डाल दिया। बेटा अब इसके ऊपर मिट्टी भी डाल दो। शाबाश शाबाश। अब इसमें पानी डालना होगा ना? ये पानी की जरूरत नहीं है बेटा, पानी तो आसमान से आएगा ना, है ना? अरे ये बीज इतनी जल्दी पौधा कैसे बन गया? इतने सवाल अच्छे नहीं होते बेटा, है ना? आपका जितना काम था आपने कर दिया, अब आपको घर जाना चाहिए, आपकी मम्मी वेट कर रही होंगी ना। इतना छोटा पेड़ इसे तो कोई बकरी भी नहीं खाएगी। अरे आप तो बोल रही थी ये है पेड़ तो सारा दुनिया का ऑक्सीजन खा जाएगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा था। ये काल लोक का पौधा है, इसे धूप नहीं बल्कि अंधेरा पालता है, क्योंकि इसकी विनाशकारी शक्ति इसके
नीचे है। वीर लोक की परियां अभी से कभी नहीं ढूंढ सकती, लेकिन ये बालवीर को नजर आ गया तो? बालवीर, बालवीर तो अब हमेशा हमेशा के लिए घूमता रहेगा जटिल वन में, उस निशाचर पक्षी की तलाश में। बालवीर, अब तुम कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे, कभी उस पक्षी को पकड़ नहीं पाओगे। पापा, क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ? ठीक है, कर देती हूँ। देखो देखो, आ गया तुम्हारा वो पक्षी, जाओ ले लो। शायद ये है, ले लो। या फिर इनमें से कोई है? ये सारे हैं। देखो देखो कौन सा है, शायद वो है। हाँ, या फिर वो वाला। इन हजारों पक्षियों में से कोई एक तो असली जरूर होगा, है ना? अरे बालवीर, खड़े क्यों हो यहाँ पर? जाओ जाओ ढूंढो, ढूंढ लो अपना निशाचर पक्षी। माँ मुझे भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं उस निशाचर पक्षी को ढूंढ कर ही रहूंगा।